अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग आप लोगों के साथ फ़िश पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बनाने बहुत आसान है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होते। इसको बनाने के लिए बहुत टेस्टी बनते हैं। हम लोग नॉर्मल रूटीन में बेसन के पकोड़े, आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े, बैंगन, बहुत किस्म के पकोड़े बनते हैं जो हम खाते हैं, पसंद भी किए जाते हैं। तो आज थोड़े से डिफरेंट किस्म के पकोड़े बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोगों ने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसके डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो उससे थोड़ा सा पहले, फ़िश के पकोड़े हैं तो फ़िश हमारी बॉडी के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, हम सभी उसकी अहमियत से तो इनकार नहीं कर सकते। और ये पकोड़े आप लोग सर्दियों में, गर्मियों में कभी भी बना के यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे, अगर बच्चे नॉर्मली फ़िश नहीं खाते तो इस फॉर्म में बच्चे बड़े शौक से इसको खाएंगे। और बड़ों को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें फिले यूज़ कर रहे हैं। फ़िश की स्किन उतरी हुई है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल फ़िश की स्किन में ही होता है तो वो उतरी हुई है, तो इसलिए आप बड़ों को भी दे सकते हैं। बहुत सॉफ्ट से बहुत अच्छे बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चले हम आपके साथ पहले इसको बनाने से पहले इसके इंग्रेडिएंट्स की डिटेल शेयर करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोगों ने 1/2 kg फ़िश के फिले लिए हैं। मैंने फ्रीज वाले फिले लिए, आप फ्रेश वाले भी ले सकते हैं। हम इसको बनाने के लिए 1 egg यूज़ करेंगे, 1/4 teaspoon सॉल्ट, क्योंकि हम फिले यूज़ कर रहे हैं इसलिए सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखेंगे, बट आप अपनी मर्ज़ी से इसमें थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 teaspoon अजवाइन, 1/2 teaspoon हम लोग इसमें यूज़ करेंगे ज़ीरा पाउडर की, 1 teaspoon मैदा, 2 tablespoon कॉर्नफ्लावर, 1/4 teaspoon बेकिंग पाउडर। या और सॉसेज में हम लोग इसमें सोया सॉस लेंगे 1/2 teaspoon और चिली सॉस, हॉट सॉस 1/2 teaspoon हम इसमें ऐड करेंगे। ये तो इंग्रेडिएंट्स हो गए। चले अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने से पहले, क्योंकि हमने फ्रीज फिले लिए थे तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो हम टिश्यू लेके या किचन में कोई भी टॉवल जो हम यूज़ करते हैं उसके साथ इसका मॉइस्चर पहले इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम लोग इसको कट करके फिर इंग्रेडिएंट्स के साथ इसकी मैरिनेशन करेंगे। फ़िश को हमने ड्राई कर लिया अच्छे से, अब हम इसको क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत इजीली, क्योंकि ये फिले हैं तो बहुत इजीली ऐसे कट हो जाता है। अब ऐसे इसको कट लगा के और ये ऐसे फॉर्म में, आपने क्यूब की फॉर्म में इन सबको कट कर लेना है। और फिश को हमने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिए, ये देखिए ऐसे क्यूब्स की फॉर्म में आपने फिश को कट कर लेना है। हम लोगों ने 1/2 kg फिश फिले लिए, किसी भी कंपनी के वाइट फिश फिले जो है वो हम इसको पकोड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कांटे वगैरह बिल्कुल नहीं होते तो ये कट हो गए। अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। कट किए हुए पीसीस को बाउल में डालेंगे, बाउल में डालने के बाद हम सब इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। हमने फिश में सब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए, एग, बेकिंग पाउडर और बाकी सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड करके अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। मैरिनेट करने के बाद आप इसको 10 to 15 minutes के लिए फ्रिज में रख दें या बाहर भी पड़ी रहे। जैसे आजकल तो ठंड का मौसम है तो बाहर भी पड़ी रहेगी तो ख़राब नहीं होती, तो 15 minutes के लिए हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे और बाद में इसको मैरिनेशन के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे तो पकोड़े रेडी हो जाएंगे। हमने फ़िश को मैरिनेट सब इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको मैरिनेट अच्छे से करके और अभी हमने क्लिंग शीट के साथ इसको कवर करके 15 minutes हो गए, मैरिनेट हो गई है फ़िश। ये देखें ऐसे फ़िश मैरिनेट हो गई, उसमें मसाला अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया और साथ ही हमने ऑयल गरम कर लिया। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसको मीडियम फ्लेम पर रख के उसको हमने गरम किया। अब हम इसमें फ़िश के पकोड़े ऐड कर बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए गरम किया, बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि फ़िश जल्दी से ही कुक हो जाती है और इसलिए हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। तो ऑयल अभी गरम हो गया, अब हम इसमें
फिश को फ्राई कर लेते। अभी ये पकोड़े की एक साइड लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है तो हम इसकी साइड टर्न कर लेते ताकि ये दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन ब्राउन ऐसा हो जाए। ये पकोड़े रेडी हो गए हैं, दोनों साइडों से अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पी भी हो गए हैं। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने से पहले हम लोग एक प्लेट में एब्जॉर्बिंग पेपर रखेंगे ताकि पकोड़े का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो चले अभी हम इनको निकाल लेते हैं। इसको पहले पेपर में निकालते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसका एब्जॉर्ब हो जाए, और थोड़ी देर इसमें रखेंगे फिर हम इसको सर्व करेंगे। पकौड़े रेडी हो गए हैं। हम इसको सर्व करने के टाइम इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे गार्निश करने के लिए। बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट पकौड़े बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएंगे। और आप हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।